देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है, ऐसी ही कुछ सरगर्मियां मध्य प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी इंदौर इन सरगर्मियों का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ भाजपा का बड़ा चेहरा और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी चल रही है और इंदौर बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, स्वच्छता में नंबर वन है, बिजनेस सेंटर है, यहाँ से कोई भी काम होता है तो पूरे प्रदेश में उसकी आवाज गूंजती है और इसलिए पिछले दिनों जो घटना है उसके कारण गूंज तो रही है आवाज। बम का बड़े धमाके की आवाज घूम रही है, वो भी है, उससे कहाँ इनकार किया जा सकता है। कांग्रेस का सिटिंग उम्मीदवार यदि अपना नाम वापस ले और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व नीति और नेता की क्या हालत है आज, कि उनके साथ कोई खड़े रहने को तैयार नहीं, उनको उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार कुछ लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की विधायक शामिल हुई है, कांग्रेस की विधायक बीजेपी में शामिल हुई है, और क्या वजह आपको लगती है कि क्यों इतने सारे लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की नीति से सब लोग नाराज हैं। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा है, भगवान राम के अस्तित्व को जो नकारे इस देश के अंदर, क्या वो राजनीतिक दल अच्छा रह सकता है, क्या उनके साथ अच्छे लोग रह सकते हैं क्या? दूसरी बात, जो कांग्रेस की नीति है वह घोषणा पत्र के माध्यम से पता लगती है कि उनके घोषणा पत्र में वामपंथी, अरबन नक्सल और कहीं न कहीं मुस्लिम लीग का प्रभाव दिखता है। यह कांग्रेस गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है, यह कांग्रेस राहुल की कांग्रेस है, जो कि कहीं न कहीं वामपंथियों से घिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि इनका जो घोषणा पत्र है उस पर मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। साथ ही साथ एक बड़ी बात उन्होंने कही थी कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस जो है वो गरीबों का, खासतौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, उनका हक मारना चाहती है। अब देखिए ना, उनकी सरकार ने कर्नाटक में उन्होंने 4% मुस्लिम भाइयों को आरक्षण दिया, हम उनके आरक्षण देने का विरोध नहीं कर रहे, पर आरक्षण कटा किसका है? पिछड़े वर्ग के लोगों का, SC लोगों का, ST वर्ग के लोगों का। तो कांग्रेस जो हम पे आरोप लगा रही है कि हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, आप तो सरेआम कर्नाटक के अंदर आपने आरक्षण दिया मुस्लिम भाइयों को और पिछड़े वर्ग के और SC ST के लोगों का आरक्षण काट कर दिया है। ममता जी ने बंगाल में आरक्षण दिया है, SC ST और पिछड़े वर्ग के लोगों को काट के दिया है। ये जो तुष्टिकरण की नीति है उसके खिलाफ कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है और इसलिए सब वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं और छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इस वक्त हम इंदौर में हैं और इंदौर की सड़कों पर कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ सफर कर रहे हैं और अब हम सराफा पहुंचने वाले हैं, जो कि देश दुनिया में खाने के लिए प्रसिद्ध है, वैरायटीज के लिए प्रसिद्ध है। कुछ सवाल वहां पर भी उनसे हम करेंगे। इंदौर की सड़कों का सफर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अब हम कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ इंदौर की उस जगह पर पहुंचे हैं जहां की स्वाद, जहां का मिठास, नमकीन, खट्टा पूरी दुनिया में मशहूर है। सर, सराफा में हम पहुंचे हैं, राजनीति भी कुछ ऐसी चटपटी हो रही है इंदौर की। हमेशा ही इंदौर की राजनीति में चटपटी रही, पर चटपटी होने के बाद भी मिठास रहता है इंदौर की राजनीति में। इंदौर की हम बात करें कि कांग्रेस नोटा को प्रमोट करने की बात कह रही है लगातार, क्योंकि अक्षय बम के भारतीय जनता पार्टी में जाने से निराशा जता रही है। नकारात्मकता ये शहर स्वीकार नहीं करेगा और इसका बहुत करारा जवाब कांग्रेस को इंदौर की जनता देगी। इंदौर की बात करते, आपके बयान बहुत चर्चा में रहते हैं। सर, इंदौर तो खाने पीने चटपटे मिजाज का शहर है, तो बयान भी चटपटे हो जाते हैं और आप लोग फिर उसमें और थोड़ी सा तड़का लगा देते हैं तो बयान और बढ़िया हो जाता है। जिस जगह पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहाँ पर 25-25 लाख के विकास कार्य होंगे। ऐसा हमने कहा है कि जहाँ पर जब वो नोटा की बात करते हैं तो हमें भी फिर सकारात्मक बात। ये आम जनता है, ये आम जनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, आप मालवा इलाके में पूरे देश के वो दौरे कर रहे हैं। दौरों में आती है तो बात आती है कि कांग्रेस की बात आती है, राहुल गांधी की बात आती है, वो अरबन नक्सल से जोड़ते हैं कांग्रेस की विचारधारा को। निश्चित रूप से बहुत बुरी हालत है
कांग्रेस के नेतृत्व की घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं वो बहुत चिंतनीय है, और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही बात लगती है कि वे अर्बन नक्सल के विचारधारा वाला घोषणा पत्र है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो वामपंथियों के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा लगता है कि वो घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया हो। बगल में बहुत सारा सोना पहन के नेमा जी खड़े हैं आपके, इस सोने को देखकर मुझे एक चीज याद आ रही है कि विरासत टैक्स की कांग्रेस ने बात की थी सैम पित्रोदा ने, डर लग रहा है? देखिए, ये विरासत भगवान नहीं करे ये 100 साल जिए 200 साल जिए, पर यदि ये जाएंगे तो इनका 55% सोना कांग्रेस ले लेगी। ये देखिए दूसरा आ गया हमारा यादव भट्टा, ये दोनों गोल्डन मेल हैं यहाँ के, और चिंता इस बात की है कि ये जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये 55% सोना कांग्रेस ले लेगी इनसे। पर कांग्रेस को आने नहीं देंगे ना हम। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और जब हम इंदौर में आते हैं तो इंदौर का आदमी अपने आप को इंदौरी के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। देखिए इंदौरी है ना, अब ये किस जाति का है हमको चने खिला रहा हमको क्या मालूम, ये इंदौर की विशेषता है। यहाँ सबका साथ सबका विकास वाला शहर है, और ये शहर संस्कारित शहर है। अब देख लिए इतने लोग हैं यहाँ पर। जोर से जय श्री माता, याम जनता है याम जनता। चौथे चरण में मालवा और निमाड़ में चुनाव होने हैं, 8 सीटों पर चुनाव होंगे। मालवा के रिजल्ट को आप किस तरीके से आप देखते हैं कि मालवा का जो रिजल्ट होगा? पूरे मध्य प्रदेश का रिजल्ट भाजपा में होगा, 29 सीट हम जीतेंगे। चरापा में मीठा चटपटा सब तरह का स्वाद आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह की बातें कैलाश जी के जुबान से निकलती है पीछे से समर्थकों की आवाज आती है, और इतने समर्थकों में जो आवाज आ रही है अब की बार 400 पार की, सर ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है कि अब की बार 400 पार आएगा, क्या वजह आपको लगता है? हमें थोड़ी जनता को कॉन्फिडेंस काम किया है ना, मोदी जी ने काम किया, मोदी जी ने देश का नक्शा बदला, मोदी जी ने सेना की ताकत बढ़ाई, मोदी जी ने आंतरिक सुरक्षा मजबूत की, नक्सलवाद खत्म किया, आतंकवाद खत्म किया, लोगों को साफ दिखता। कांग्रेस कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा इनके पास था, कश्मीर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा इनके पास था, जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे बात करती है, आपको लगता है चुनाव पे इसका असर होगा? ये तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया, हमने तो किया नहीं। आरक्षण कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया, हमने तो दिया नहीं मुस्लिम आरक्षण। हमने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेगी, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण वो देते हैं। कुल मिलाकर हक मारा जाता है पिछड़े वर्ग का, SC का और ST का, हम SC और ST और पिछड़े वर्ग का हक नहीं मारते। इंदौर एक और वजह से चर्चा में, अक्षय बम का नामांकन वापस लेना, फिर उनका बीजेपी में शामिल होना, और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, वो बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ती है, क्या लगता है जीतू पटवारी जब बयान देते तो कैलाश जी के मन में क्या चलता है, आपके शहर के जनप्रतिनिधि के तौर पे वो रहे? देखिए जीतू पटवारी को भी परिपक्व होने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी उनको बड़ी जवाबदारी मिल गई, लोगों का सम्मान करने भूल जाते हैं, महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की है वो इंदौर के हैं तो इंदौर का नाम बदनाम हो रहा है उसका, इसलिए जीतू पटवारी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, तो कम से कम महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। हालांकि वो बाद में बयान से उन्होंने जब पलटे तो कहा था कि वो मेरी बहन के जैसी मुझे लगती है, लेकिन एक हफ्ते में 4 FIR जीतू पटवारी पे अलग अलग केस को लेकर दर्ज होते हैं। आदमी को बड़ी कुर्सी मिल जाए तो विनम्र होना चाहिए, जब अहंकार हो जाता है उसका नाश प्रारंभ है। दल बदल की चीजें चल रही है, लोग कांग्रेस छोड़कर या अन्य पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में दौरे में जब हम घूम रहे तो हमारे पास आता है कि ऐसे कई विधायक हैं जो लाइन लगाकर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए खड़े हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज असमंजस में है, इस देश की पहचान राम से है, यदि आप राम के अस्तित्व को नकारोगे, यदि उनके निमंत्रण पत्र पर ठुकराओगे, आप बाबर की समाधि में जाके फूल चढ़ाते हो और भगवान राम के मंदिर में नहीं जाते, कांग्रेस का कार्यकर्ता से दुखी है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। आपके लिए आप लीजिए।
ये देखिए कैलाश जी ने एक टिकिया मंगवाई है यहाँ पर, ये इंदौर का स्वाद है, इसमें इंदौर के सेव डले हैं। कई बार चुटकुलों में भी इंदौर के सेव का स्वाद आता है, इंदौर की सेव, इंदौर की नमकीन और इंदौरीपन। नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर आप बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, आपने भी कहा था कि विकास को लेकर बहुत बड़ा प्लान इंदौर को लेकर है। हाँ है ना, हम इंदौर का हमने नक्शा बदला है, हम और नक्शा बदलेंगे। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस के लिए हम लोग काम करेंगे और इंदौर को एक बेहतरीन शहर बनाएंगे। मेट्रो भी एंट्री कर रही है, कब तक लगता है आपको कि मेट्रो की सौगात इंदौर के लोगों को कब तक मिलेगी? चुनाव के पहले हम 5 साल बाद मेट्रो चालू कर देंगे। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आने वाला है, उसके बाद लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होगा। सरकार के पास अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए, सड़कों पर काम करने के लिए बहुत लंबा वक्त मिलेगा। क्या भविष्य की योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार, आपका विभाग और अन्य विभाग बना? देखिए, औद्योगिकरण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बहुत अच्छा करना है, किसानों की आमदनी दोगुनी करना है, नौजवानों के लिए रोजगार लाना, महिला सशक्तिकरण के लिए काम। नगरीय प्रशासन की हम बात करते हैं, स्वच्छता में इंदौर नंबर वन है। लगता है आपको इस बार चुनाव में वोट का जो रिकॉर्ड की बात की जा रही है कि इंदौर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा? 100% बनाएगा। कितने वोटों की उम्मीद करते हैं? क्या हम समझते हैं 8 से 10 लाख के बीच में हम जीतेंगे। इंदौर में जीत को लेकर न सिर्फ आश्वस्त है बल्कि उनका ये कहना है कि हम बहुत बड़ी जीत इंदौर में हासिल करेंगे। सर, डबल इंजन की हम भी बात करते हैं मध्य प्रदेश में, और आपके पास अब ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी जब से उन्होंने आए हैं तो उन्होंने प्लान बनाया है, अर्बन के लिए अलग से बजट दिया, और इतना बजट दिया है अर्बन सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैं पहले मेयर रहा हूँ, किसी विभाग का मंत्री रहा हूँ, उस समय हमारे पास बजट नहीं हुआ करता था, पर अब मोदी जी के युग में बहुत बजट आ रहा है, इतना बजट आ रहा है कि हमसे खर्च करते नहीं बनता छोटे छोटे नगर पालिका। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में बहुत सीनियर आप है, प्रहलाद सिंह पटेल भी बहुत सीनियर है, मोहन यादव जी भी उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिस पर सामूहिक फैसले होते हैं जो प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीजों पर चर्चा होती है जब आप मिलते हैं? चुनाव के बाद हम बैठेंगे, अब आने वाले समय में कोई रुकावट नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं है, हम सिर्फ मध्य प्रदेश में विकास, विकास और विकास करें। अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा? 100% चलेगा। ये देखिए, ये है कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो है चुनाव है, बड़ी जीत हासिल होगी, चुनाव के बाद जब हम बैठेंगे तो विकास की रफ्तार तो मिलेगी, साथ में हम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। जहां तक नोटा की बात है या कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों को बढ़ाना चाहती, खासतौर पर मुस्लिम के तुष्टिकरण में आगे लगी होती है, और जब चुनाव खत्म होगा तो कांग्रेस को इसके नतीजों से उसकी करनी का फल भी मिलेगा। इस वक्त हम इंदौर में हैं और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। हमने इंदौर में लगातार उनके साथ सफर किया, सराफा में टिकिया भी खाई, चटपटे चने कॉर्न भी खाया, और उतनी ही चटपटी सियासत की बात भी की। और अब हम पहुंचे हैं पितृपर्वत पर, आप पीछे बजरंग बली की मूर्ति देख रहे होंगे, श्री राम के अनन्य भक्त हैं। कैलाश जी ने कहा है कि श्री राम को कांग्रेस ने नकारा है, सर क्या होगा कांग्रेस का? जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है, और जो राम को नकारे जनता उसको नकार देती है। अभी हम सराफा में बात कर रहे थे कि आपने एक मिठाई की भी बात कही थी, एक मिठाई का नाम याद आ रहा है मुझे, संदेश। पश्चिम बंगाल में बहुत लंबा वक्त आपने बिताया है, भाजपा के प्रदर्शन में बहुत बड़ी भूमिका रही है, संदेश से याद आता है, संदेश खाली का बहुत बड़ा जिक्र चल रहा है, चुनाव में असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, महिलाओं का महिला मुख्यमंत्री होते हुए बलात्कार होना, उनको संरक्षण नहीं देते हुए महिलाओं को बल्कि बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली मुख्यमंत्री की छवि पश्चिम बंगाल में एकदम खराब हो गई है, और महिलाएं पश्चिम बंगाल की बहुत आक्रोशित है, और मुझे लगता है कि इस बार 5-10 सीट भी आ जाए उनकी तो बहुत बड़ी बात होगी। तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है और बता रही है, दावा ये कर रही है कि वो एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें भाजपा के कोई मंडल अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि ये सब भाजपा का रचा बुना जाल था, षड्यंत्रकारी है ममता जी,
इस प्रकार की वीडियो निकाल सकती है, पर जिस प्रकार सीबीआई और ईडी ने जांच की है, सब चेहरे इनके बेनकाब हो जाएंगे। जिस तरीके से महिलाओं को पाशविक तरीके से इन्होंने रेप किया है, वे सब महिलाओं ने सीबीआई को बयान दिया अपना, और इसलिए मुझे लगता है कि इस जांच में मुख्यमंत्री भी नहीं बचेगा। लगातार हम महिलाओं की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भी हमने हाल ही में एक मुद्दे पर हमने चर्चा की, महिलाओं को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश से मारिया है, वो अब अपील करती है लोगों से वोट जिहाद की। मैं समझता हूँ कि ये जो वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ इंदौर की मध्य प्रदेश की राजनीति में, यह बताता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। अलार्मिंग है उन लोगों के लिए जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं और अपने आप को हिंदू बोलते हैं। वे सब राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं इनसे समझौता करके कुर्सी की चाह में ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, उन्हें एक बार विचार जरूर करना चाहिए। राहुल गांधी की हम बात कर रहे थे, बीच में एक सवाल आता है कि राहुल गांधी रायबरेली पहुंचने वाले हैं फिर से। रायबरेली उनके परिवार की सीट है, पर मैंने सुबह मजाक में कहा था कि बरेली अगर जाके लड़ते देश का फायदा हो जाता। बरेली का झुमका और मांझा बहुत फेमस है, बहुत सारी चीजें बरेली की फेमस है, लेकिन कैलाश जी जब कुछ कहते हैं तो गहरा अर्थ भी छिपा होता है। निश्चित रूप से आप गहराई से अध्ययन करना आपको पता लग जाएगा। हम बात कर रहे थे कि इंदौर में अभी हाल ही में अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा थी, कथा के दौरान उन्होंने इंदौर के नाइट कल्चर को लेकर आपसे कुछ गुजारिश भी की थी। मैं भी चाहता हूं कि नाइट कल्चर में कुछ मर्यादित हो, और इसके लिए हम लोग बैठ के मुख्यमंत्री के साथ इस चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। इंदौर के विकास की बात करें, जिस समय आप महापौर थे उस समय से, मतलब इंदौर के जब भी विकास की बात आती है तो कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र आता है, महापौर, लोक निर्माण मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, और एक बार फिर से नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर हैं, और इंदौर कहते हैं कि हमेशा रिकॉर्ड बनाता है, नंबर वन का एक लगता है कि आदत सी हो गई है इंदौर को, अब कहां जाके इंदौर। देखिए, विकास के मामले में इंदौर एक बार फिर से करवट लेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी हमारा मिशन है मतदान, मतदान में भी किसी कारण से कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, हम सकारात्मक राजनीति करेंगे। इंदौर की जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। लगातार आप दौरे भी कर रहे थे, छिंदवाड़ा का आपने जिक्र किया था कि कमलनाथ जी का बीच में कुछ हलचल हुई थी कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, शायद कुछ बात भी बनी थी, लेकिन आप संतुष्ट नहीं थे उस चीज से, या कई नेता ऐसे थे जो संतुष्ट नहीं थे, आपने कुछ कहा भी था उस बारे में। नहीं, मैंने तो ये कहा था कि कमलनाथ जी बहुत भले आदमी है और वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जा सकता है, पर उनके साथ बहुत सारी बारात आ रही थी तो हमने उसका विरोध किया। हमने कहा कमलनाथ जी का तो स्वागत करेंगे, पर बहुत सारी बारात आएगी तो हमारे कार्यकर्ता जो उस क्षेत्र में काम करते हैं उनके हम राजनीतिक हत्या थोड़ी करेंगे, और इसलिए मैंने कहा कमलनाथ जी आए तो स्वागत है, पर उनकी टीम आए ये जरूरी नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सारी बारात आ रही है तो कार्यकर्ताओं को किस तरीके से समझा रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता खुश है। अब जैसे इंदौर में अक्षय वर्मा है, एक अच्छा युवा नेता हमारे साथ आया है, और कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं उसकी, बस ये है कि मैं काम करूं, कुछ कोई भी काम दे दूं, मुझे काम करने की इच्छा है उनकी। ऐसे कार्यकर्ता आते हैं तो लोग खुश भी होते हैं। इंदौर में आपने कहा था कि सरप्राइज मिलेगा, बड़ा बम भी फूटा इंदौर में, कैसे इसकी भूमिका बनी, क्या चर्चा हुई, आपको क्या लगता है क्या चर्चा हुई थी कि अक्षय वर्मा आएंगे, कुछ चर्चा आपसे हुई थी इसको लेकर? नहीं, उन्होंने एकदम निर्णय लिया, वो सुबह सब्जी मंडी प्रचार पे गए थे और जाने के बाद पता नहीं उनको क्या लगा कि मुझे शायद ये एटीएम मशीन समझ लिया इन्होंने, और आदमी पैसा खर्च कर देता पकड़ सम्मान भी नहीं मिलता उसको, तो फिर वो विचार करता। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उनको एक पैसे देने वाली मशीन तो समझ लिया, पर जो सम्मान देना चाहिए एक लीडर को वो सम्मान उनको नहीं मिला। वो बड़ा संस्कारित परिवार है, जो बम परिवार है, तो जब से सनातन धर्म के खिलाफ कांग्रेस समर्थित इंडी गठबंधन के लोगों ने बयान दिए थे तब से उसका मन दुखी था और लगा कि उसे अब मुझे मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए, देश के विकास में मैं भी एक गिलहरी की तरह कुछ अपना योगदान दे सकूं। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा और इसलिए उनका हमने स्वागत किया। विधानसभा लड़ने वाले भी कुछ नेता कांग्रेस में आ चुके हैं, संजय शुक्ला जी को तो आपने कहा भी था मंच से कि क्यों पहले मुझे खुद करता था अब इधर लाना पड़ रहा है तुझे। ये पार्टी में हर किसी को लेना ये भी ठीक नहीं है, पर हाँ, जो
एक डिवोटेड लोग हैं जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं वो अगर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, पर फालतू धंधेबाज लोग भारतीय जनता पार्टी में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव की बात करते, राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें, पूरे देश में जो माहौल लग रहा है, मेरी कई भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के नेताओं से जब बात होती है तो वो 400 पार का भरोसा जता रहे हैं। साथ ही साथ कुछ राज्यों की गणना करते कि ओडिशा जैसे राज्य, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, वहां पर हमारी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन साउथ में एक वोकलिंग का समुदाय भी होता है जिसको भाजपा अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आपको लगता है ओवरऑल इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? लगभग 400 के आसपास हम पहुंचेंगे। जहां हम पिछली बार 2-4 लाख जीते थे, वहाँ 5-6 लाख से जाते हैं। हमारा वोट बहुत बढ़ेगा क्योंकि लोग मोदी जी को चाहते हैं, और मोदी जी को सिर्फ चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, और वो सिर्फ मोदी जी बढ़ा सकते हैं, ये लोगों के मन की धारणा है। ये है कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनके बयानों से वो चर्चाओं में रहते हैं, पूरे ताकत से उनको स्वीकार करते हैं कि मैंने जो बोला है कुछ सोच समझ कर ही बोला है, उसका असर भी दिखता है। सराफा बाजार में घूमते हैं, चाट चौपाटी पे घूमते हैं, तो वहां जो तड़का लगता है वो तड़का कैलाश जी के बयानों में भी दिखता है। लेकिन जब गंभीर सवालों की बात आती है तो वो ये पूरा भरोसा जताते, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, या फिर ओडिशा की बात हो, ये पूरा भरोसा जता रहे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटों तक लेकर आएगी और बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। जहां तक इंदौर का सवाल है तो इंदौर को जिस तरीके से नंबर वन बनने की आदत बनी है, वो इस चुनाव में भी इंदौर अपना परचम लहराएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद सुधीर जी, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।